नंबर तीन, चोरी। बच्चों में ये आदत कब क्यों पैदा होती है, उनको चीज़ चाहिए और माँ बाप बोलते नहीं। मसलन बच्चों को खाने की तमा होती है, उनको चॉकलेट चाहिए, उनको बिस्किट्स चाहिए, उनको मिठाइयाँ चाहिए, उनको बहुत कुछ चाहिए, उनको खिलौने चाहिए। पड़ोस में गया, ये खिलौना मेरे पास नहीं है, यहाँ वहाँ देखा, ऐसा ऐसा खेला थोड़ी देर और जेब में डाल लिया। स्कूल में गया, एक पेन बहुत अच्छा लगा, मेरा पेन ब्लैक कलर का है, इसका रेड कलर का है, बहुत कलरफुल है, बहुत अच्छा लगता है, दो नहीं, ठीक है। वो गया उसके बैग में से निकाल के जेब में डाल लिया, घर पे लेके आया। माँ बाप ने देखा पेन कहाँ से आया, ये खिलौना कहाँ से आया, हाँ मेरे दोस्त के पास से लाया। माँ बोलते हैं ठीक है ठीक है। बाज़ औक़ात मालूम होता है रास्ते में पैसे मिल गए कहीं, या फुलां के घर में से पैसे उठा के लाया। अब माँ बाप बजाय इसके कि उसको टोकने के, उसको डांटने के, कहाँ से लाया तू पैसा, इतना पैसे तेरे पास कहाँ से, ये चीज़ कैसे आई तेरे पास, माँ बाप ही कहते हैं ठीक है लाओ इधर, और माँ बाप उससे वो चीज़ लेते हैं, या कोई चीज़ है तो कहते ठीक है आइंदा मत करना, उसको आप भेजिए जाके दूसरे बेटे को साथ में भेजिए, जा ये चीज़ जहाँ से लाया था उनको दे, और उनको बोलना मुझसे गलती हुई, आइंदा मैं नहीं करूँगा ऐसा, अब्बू ने मुझको भेजा है, और इसको बोले जा तो उसके साथ में जो आपका वाकई भरोसे वाला है, उसको आप भेजिए। इस तरह से आप बच्चों को ट्रेन कीजिए। चोरी की आदत अगर माँ बाप में हो, बीवी ले लेती माँ बाप की जेब में से, शौहर की जेब में से, और बच्चा देख रहा है कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, अब बोले कि ये बैंक ऑफ इंडिया ये है, यहाँ से लो, खुद वो भी डाल के देगा। अब अगर वो उसको डांटती है या बाप डांटता है, वो कहेगा आप भी लेती हो तो मैं भी लेता हूँ, मेरा अगर गलत है तो आपका कैसे सही है। तो बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, उनकी पहली किताब माँ बाप होते हैं, जैसे माँ बाप होंगे वैसे बच्चे होंगे। बाद के वक्त में माँ बाप फिर उनको एहसास होता है बच्चा बिगड़ रहा है, बाद में एहसास होता है फिर सुधारने की कोशिश करते हैं। मौलवी साहब के पास आते हैं, मौलवी साहब कोई दुआ है, तो आपने सब कुछ बिगाड़ दिया और आप अब आ रहे हो दुआ के लिए, अब बहुत मुश्किल हो चुका है। यह और बात है कि अल्लाह चाहे तो हिदायत दे दे, फिर उसको आपकी दुआ की भी ज़रूरत नहीं है अगर वो हिदायत देना चाहे तो हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ गई फिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लअनल्लाहु सारिक, अल्लाह की लानत हो चोर पर, अल्लाह की लानत हो चोर पर। ये ऐसा काम है जो लानत का हकदार है। आप बच्चों को सिखाइए कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, चोरी नहीं करते हैं। चोरी की डेफिनेशन लोगों को मालूम नहीं होती, बग़ैर इजाज़त के किसी की चीज़ को ले लेना कि अगर उसको मालूम हो जाए तो नाराज़ होगा, इसको चोरी कहते हैं। क्या आपने किसी से पूछा ही नहीं, उठा के ले लिया, और अब अब्बू गए मस्जिद में नमाज के लिए, देखा चप्पल मेरी चोरी हो गई, और गुड्डू हाथ पकड़े ठहरा उनका, अब बाप देख रहा है कि इसमें से कौन सी मेरी चप्पल की तरह सिमिलर है या कौन सी अच्छी है। बहुत ज़्यादा है उसकी अगर हिम्मत, हौसले ज़्यादा हों तो देखता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी चप्पल चोरी गई है, अब मैं लूँगा तो सबसे अच्छी लेके जाऊँगा। अब पहन रहा है बेटा, अगर अबू ये अपनी नहीं है, चल चल मेरी गई, मैं क्यों छोड़ू किसी को, ले क्या है। वो भी यही सीखेगा, वो स्कूल में ये करेगा, वो बाहर ये करेगा, किसी के निकाह में चला जाएगा, उनका दहेज चुरा के लेकर आएगा। तो आप बच्चे को सही तरबियत दो, उसको चोरी चोरी से उसको मना किया जाए, कोई भी चीज़, छोटी चोरी क्यों ना हो, कागज़ क्यों ना हो, उसको मना किया जाए, कोई चीज़ नहीं, एक भी चीज़ नहीं, तिनका भी अगर चोरी करके लाता है तो तिनका बेकीमत है, लेकिन चोरी की आदत गलत है।